पशुपांगजाय पशु के अंग के पुत्र हैं पशुपांगज है। बोलो पशुपांगज भगवान की जय। पीछे वाले नहीं बोले, बोलो पुष्पांगज भगवान की जय। बड़ा आनंद है चकाचक भक्तो। अब तो महाराज ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी ने वो गम में वो ग्वाल बाल सब ला के भगवान को सौंप दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद माधव मुकुंद भगवान चंद्र ब्रज में लीलाएं करते हैं और उस समय भगवान श्याम सुंदर आज इनका एक सखा था श्रीदामा नाम गोपालो राम के सबयो सखा बलराम और कृष्ण का मित्र था। आकर कन्हैया से बोला ही तो विदुरे सुमहग बलम तालाली संकुलम। यहां से थोड़ी दूर पर एक ताल का वन है और वहां बहुत बढ़िया बढ़िया गूदा वाले ताल के फल लगते हैं। ताल ताड़ के फल तो जंगल में होते हैं ताड़ के फल ताड़ के वृक्ष और ये चरवाहे लोग ग्वाल बाल उन ताड़ के फलों को खूब खाते हैं गूदा निकाल निकाल कर। बोले वो ताल का फल खाना चाहते हैं। बोले वहां धेनुकासुर नामक दैत्य जो है वो रक्षा करता है वो गर्दभ के रूप में रहता है। कंस का भृत्य है कंस भृत्य धेनुकासुर। भगवान बलराम बोले चलो धेनुकासुर से आज निपटा जाए और ताल के फल खाए जाए। सब ग्वाल बाल गए तब वो धेनुकासुर गर्दभ के रूप में आया और बलराम के बक्षस्थल पर दुलत्ती मार दी। उछल कर दुलत्ती मारी तो बलराम ने दोनों टांगे उसकी पकड़ ली। बलदाऊ भैया बलवान है घुमाया उस गर्दभासुर को धेनुकासुर को घुमा के कपित था गिरे कई था कि जल पर पटक दिया। गोविंदाय नमो नमः। बोलो बलराम बलराम भैया की बलदाऊ भैया की जय हो। ब्रज के राजा को तो बलराम ही है। वहां दाऊ जी में कहते हैं ब्रज के राजा हैं। वहां दाऊ जी का मंदिर है गोकुल से लगभग 12 किलोमीटर दूर है दाऊ जी का मंदिर बलदेव गांव में। वहां मिश्री का प्रसाद बढ़ता है वही शौभद्र ऋषि का आश्रम है। तो महाराज अब तो दाऊ जी ने कहा चलो फल खाओ ऐसे पकड़ के वृक्षों को हिला देते हैं ताल गिर जाते हैं ताल के फल खाए। ताल के फल खाए तो सबको प्यास लगी। अजय प्यास लगी तो उस समय बोले चलो जमुना जल पिए। जाकर के पहुंचे यमुना जी में सबने जल पिया गमों ने भी जल पिया त्यों ही सब ग्वाल बाल और गम में मृत्यु को प्राप्त हो गए समाप्त हो गए। क्यों जल पीते ही सब समाप्त हो गए। यमुना के इस जलाशय में काली नांग रहता है और काली नांग के विष से जलाशय विषैला हो गया है विषाक्त कर दिया है कालिया नांग ने। भगवान ने आई भगवान है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सक्षमा सा ईश्वरा असंभव को भी संभव कर दें। खड़ेश्वर संपन्ना भगवान इत्य विधीयते खड़ेश्वर संपन्न है ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से ससा श्रिय ज्ञान वैराग्य पूर्ण अखंड भगति। ये भगवान है इन्होंने अपने नेत्रों से देखा इच्छया अमृत वर्षिण्या स्वनाथान समजीवयत अपने नेत्रों से अमृत की वर्षा की तो गौवें भी जीवित हो गई ग्वाल बाल भी जीवित हो गए सब उठकर खड़े हो गए। ये नारायण को अगर कोई कुदरकी मनुष्य कहे तो कितना बड़ा अज्ञानी है। नेत्रों से अमृत वर्षा दिया सब जीवित हो गए ग्वाल बाल गांव में गोविंद ने सबको जीवित कर दिया। अब भगवान सोचते हैं काली नांग का मान मर्दन करेंगे। अब भगवान जमुना के तट पर गेंद खेलने लगे श्रीदामा को लक्ष्य करके गेंद मारी श्रीदामा की गेंद थी लक्ष्य करके मारी गेंद वो जाकर के यमुना में भगवान ने फेंक ही दी गेंद गिरी यमुना में। श्रीदामा कहता हमारी गेंद दो बार बार रोवे श्रीदामा और गेंद हमारी दो घन श्यामा। रेशम की गेंद है पहले कपड़ा की गेंद चलती थी आज से 30-40 वर्ष पहले तो रेशम की गेंद। बोले रेशम की गेंद हम तुम्हारे तुम्हें मैया से सोने की गेंद बनवा देंगे। कहा नहीं यही गेंद हमें चाहिए। तो भगवान बोले अच्छा छोड़ो पकड़े था फेंटा रिस कर लीनी फेंट छुड़ाए फेंट छुड़ाई और चढ़ गए कदम पर पुनगी पर चढ़ गए भगवान कदम की। तम चंड बेग विष वीर्य मवेक्षते न
दुष्टान नदीम चखल शय्यमना अवतारः कृष्णा कदम्ब मदिरुई है ततोति तुंग आस्फोट्य गाल रशनो न्यपतत विशोदे है। पराक्रमी है कालियानांग, 110 पण है, कद्रु का पुत्र है, गरुण के भय से वृंदावन चला आया था। यहाँ गरुण नहीं आते सोबरी के शाप के अनुसार, तो यहाँ ये स्वच्छंद विचरण करता था, जमुना जल को विषैला कर दिया था, विषाक्त हो गया, विषैला हो गया जमुना जल। भगवान कहते हैं ये प्रदूषण दूर करेंगे, यमुना का प्रदूषण गोविंद दूर करना चाहे थे। तम चंड वेग विषय वीर्यम अवेक्षतेनो दुष्टाम नदीम, दुष्टाम नदीम, यह नदी दुष्टाम नहीं है, दुष्टाम दूषिताम, दूषित कर दिया है नदी को उसने, दुष्टा करते हैं दूषित करने से होगा, दूषित कर दिया, प्रदूषित कर दिया है नदी को। और भगवान है खल संयमनावतार, खल संयमनावतार दुष्ट दलनकारी, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ऐसे भगवान आज कदम के ऊपर चढ़ गए और कूद पड़े जलाशय में जमुना में। सर्पहृद पुरुष सार निपात वेग, बड़े वेग से पहुंचे, और समय जब तली में पहुंचे तो कालियानांग सो रहा था, विशाल विकराल पर्वताकार 110 पण वाला कालियानांग सो रहा था। उस समय नांग पत्नियां देवियां हैं वो जग रही थी, उन्होंने बड़े सुंदर कुमार सांवरी कन्हैया को देखा, अरे सांवरी श्यामल शिशु तुम लौट जाओ, अरे तुम पर बड़ी दया आ रही है, अरे कमनी कांत कलेवर वाली कन्हैया लौट जाओ, मेरा पति विषधर है, भयंकर है, उग्र है, तुम्हें भक्षण कर लेगा, जाओ भाग जाओ। भगवान बोले अरे देवियों, अरे तनिक तो जगा दो अपने कार्य नांग विषधर मनियारे को, मैं इसका पराक्रम देखने आया हूँ। आज अंगड़ाई लेकर कालियानांग जगा और फुसकारता हुआ कन्हैया की ओर बढ़ा। अब भगवान की ओर क्रोध में बढ़ रहा है और भगवान मुस्करा रहे हैं कालियानांग की ओर। तम चंड वेग विषवीर्यमवेक्षते दुष्टाम, महाराज समय कालियानांग आज बड़ा बड़े चंड वेग वाला बड़े क्रोध में बढ़ा चला आ रहा है। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घना वदातं श्रीवत्स पीत वसनम स्मित सुंदरास्यम। तम प्रेक्षणी, भगवान जो दर्शनीय है, सुकुमार बड़े कोमल हैं, घना वदातं मेघों जैसा वर्ण है, मंद मंद मुस्करा रहे हैं। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घना वदातं श्रीवत्स प्रीत वसनम स्मित सुंदरास्यम। मंद मंद कालियानांग की तरह मुस्करा रहे हैं। कालियानांग ने भगवान की मंद मुस्कान देखी, भगवान का स्वरूप देखा, तो उसका क्रोध न जाने कहां चला गया। अब सौम्य साधु की तरह भगवान को भाव से देखने लगा, उसका विषय गायब हो गया, उसका क्रोध ही गायब हो गया। भगवान ऐसे हैं ही, जो देख लेता है उसे शुद्ध बुद्ध खो जाती है, तभी तो इनका नाम चोर है। राजत राज समाज महाकौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व बिलोचन चोर। नेत्र भी चुरा लेते हैं, चित्त भी चुरा लेते हैं, श्याम गौर मृदु वयस किशोरा लोचन सुखद विश्व चित्त चोरा। कालियानांग की शुद्ध बुद्ध खो गई, जिसे देख लेते हैं, जो देख लेता है उसकी शुद्ध हो जाती है। मिथिला की नारियां कहती सखी कहु सखी अस को तन धारी जो न मोह यह रूप निहारी। बिच्छू ने भगवान को देखा तो डंक तोड़ डाला, सांपिनी ने देखा तो दांत तोड़ डाले, जिन्ही नी रखी मग सांपिनी बीछी अतजहि विषम विष तामस तीछी। आज कालियानांग उसका जो क्रोध है वो अदृश्य हो गया, सौम्य भाव से भगवान को देख रहा है। लेकिन एक बात है, खल भूकर भल पाज सुसंगु मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। सत्संग में खल भी थोड़े देर के लिए साधु बन जाता है, खल भी
लेकिन उसका स्वभाव नहीं जाता है, फिर वो खलता करता है। ऐसे ही कालिया थोड़ी देर तो साधु बना रहा और इसके बाद फिर उग्र स्वरूप में आ गया और 110 फण फुलाए, भगवान की ओर पुरस्कारता हुआ चला और कन्हैया को अपनी पूंछ में बांध लिया और फणों से आक्रमण करना चाहता। भगवान योगेश्वर हैं, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्त प्राकाम में ईषित वशित, विशाल कर दिया शरीर, पूंछ हो गई छोटी, उछले उसके फणों पर आरूढ़ हो गए। जगत गुरु भगवान उसके फणों पर तीव्रता से पदाघात कर रहे हैं, नृत्य जैसा हो रहा है। इतने लाघों से चरण विन्यास कर रहे पादप विन्यास, और उस समय उसके भगवान के चरणाघात से उसका रक्त और विष बाहर निकलने लगा। ये लाल रक्त विष काला जब जमुना के ऊपर आया तो ग्वाल बाल बोले लगता है काली नाग ने कन्हैया का भक्षण कर डाला। हाय रे श्री रामा, तैने छोटी सी गेंद के पीछे गोपाल को यमुना में डूब जाने दिया, हमें संकटों से कौन बचाएगा, कौन हमारी करेगा रक्षा। रो रहे हैं ग्वाल, गोपाश मूल दिखणान परिताप सुंश्चे संक्रंदता परम कशमल मा पुरारता। आज गोप बहुत व्याकुल हो गए, मूल हो गए। गोपांश मूल दिखणान परिताप सुंश्चे, पशुओं के चारों ओर रोते हुए घूम रहे हैं, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण। गोपिकाएं रोने लगी, गोपिकाएं भी आ गया। गोप्योनुरक्त मनसो भगवत्य नन्ते तद सौहृद स्मित विलोक गिरा स्मरन्त्या ग्रस्ते हिना प्रियतमे भ्रश दुख तप्ता शून्यम प्रियम विरहितम ददृशु त्रिलोक्याम। गोप्यो अनुरक्त मनसो, गोपिकाओं का मन भगवान कृष्ण में अनुरक्त हो गया था। भगवत अनंते, वो भगवान अनंत हैं, इसलिए उनका मन उनमें अनुरक्त हो गया था। अब वो ग्रस्ते हिना प्रियतमे भ्रश दुख तप्ताः, प्रियतम को अहिने ग्रसित कर लिया है, तो बड़ी विराकुल हो गई और अश्रुपात करके रोने लगी। शून्यम प्रियम विरहितम ददृशु त्रिलोक्याम, तीनों लोक उन्हें शून्य प्रतीत होने लगे। इतने में ही आ गए बूढ़े बाबा नंद, हाय कहाँ है कहाँ है मेरा वह ब्रज चंद्र, जब नहीं नैन का तारा है तो कैसे नैन रहेंगे, अब प्राणों का प्यारा नहीं रहा तो कैसे प्राण रहेंगे अब। यह कहकर बूढ़े पिता मही गिर पड़े अशांत, दाऊ यदि न संभालते तो हो जाता प्राणांत। इतने में ही आ गई यशोदा कहती हाय, बछड़ा खोकर जिस तरह डकराती है गाय, बतला दो अरे मुझे कोई मेरी गोदी का लाल कहाँ, मेरा नंदन मेरा मोहन मेरा वह ब्रज गोपाल कहाँ। बड़ा शोक है आज घाट पर, तट पर सभी शोकातुर हैं। और इतने में भगवती राधा आई और राधा ने कहा श्याम सुंदर तुम डूब नहीं सकते, प्रकट हो जाओ। हे श्याम, हे मोहन, हे गोविंद, हे कृष्ण, ये पुकार ये टेर थी कुछ ऐसी गंभीर, लगा उछलने एकाएक कालिंदी का नीर, लगा उछलने एकाएक कालिंदी का नीर। फिर जलने नभने विश्वने, बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित हो गया। जल तरंग का वाद्य जब बजा रहा था साज, जल में से आई तभी बंसी की आवाज, जल
फिर ब्रज ने नभने विश्व ने देखा तब सानंद काली फन पर नाचते हैं ब्रज नंदन काली फन पर नाचते हैं ब्रज नंदन काली फन पर नाचते हैं ब्रज नंदन ब्रज नाचते हुए भगवान प्रकट हुए देवता पुष्प वर्षा करते हैं और कहते हैं नटवर नागर नंदा भजूरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजूरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा नटवर नागर नंदा भजूरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा जोरे मन गोविंदा सब देवन में कृष्ण बड़े हैं सब देवन में कृष्ण आज में तारन में चंदा जोरे मन गोविंदा जिम तारन में चंदा जोरे मन गोविंदा सब सखियों में राधा बड़ी है सब सखियों में राधा बड़ी है जिमी नदियों में गंगा भजूरे मन गोविंदा जिमी नदियों में गंगा भजूरे मन गोविंदा ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे नरसिंह रूप धरंता भजूरे मन गोविंदा नरसिंह रूप धरंता भजूरे मन गोविंदा काली दह में नाग जो नाथ हो काली दह में नाग जो नाथ हो फल मरण रत करंता भजूरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजूरे मन गोविंदा बोलिए नटवर नागर नंद किशोर की जय और भगवान से नांग पत्नियां प्रार्थना करती हैं अपने सुहाग की भिक्षा मांगती हैं परम कारुणिक परम कृपालु भगवान ने काली नांग को क्षमा किया और कहा तुम्हें गरुड़ का भय नहीं है मेरा चरण तुम्हारे मस्तक पर रहेगा इसलिए गरुड़ तुम्हारा अनिष्ट नहीं करेंगे जाओ जल के मार्ग से रमण द्वीप ले जाओ सपरिवार काली नांग रमण द्वीप गया भगवान अपने आकर के गोप वृंद में सम्मिलित हुए बोलो आनंद कंद भगवान की जय ब्रज की गोपिकाएं भगवान के स्वरूप का ध्यान करती हैं ये श्लोक सुखदेव जी को बड़ा प्यारा है वेणु गीत का श्लोक है बर रहा पीडम नटवर बटु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद वाशा कनक कपिशम वैजयंती चमालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम शबदरमणम प्राविशद गीत भगवान के स्वरूप का ध्यान करती हैं बर्रहा पीडम अनंत ब्रह्मांडों में जो व्याप्त हैं वो मरुत पंखधारी हैं नटवर बपु कानों में कनेर के पीले पुष्पों के कुंडल हैं कनक कपिश स्वर्णारुण वर्ण का पीतांबर है बैजंती माला है रंधान वेणु रधर सुधया पूरेण गोप वृंदी सप्त रंध की मुरली अधरों पर धारण करके गोप वृंदों में बैठे हैं वृंदारण्यम शब्द रमण आत्माराम पूर्ण काम भगवान की गीत कीर्ति ब्रज में प्रसृत हो रही है इस प्रकार गोविंद का ध्यान करती हैं गोविंद की वेणु को उद्देश्य में रखकर वेणु गीत गाती हैं ब्रज की 16108 गोपिकाओं ने भगवान को प्रतिरूप में पाना चाहा है और प्रतिरूप में पाने के लिए उन्होंने भगवती कात्यायनी की उपासना की है यमुना स्नान करती हैं अगहन के महीने में हेमंते प्रथमे मास नंद ब्रज कुमारी का चेरु रवि शंभुंजाना कात्यायन अर्चयन व्रतम कात्यायनी की आराधना करती केवल हविष्यान्न खाती हैं और यमुना में स्नान कर शैकत प्रतिमा बना करके बालुका में पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर
अर्चना वंदना करती है धूप दीप नैवेद्य आदि से और कहती हैं, कात्यायनी महामायी महायोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में गुरुते नमः। हे कात्यायनी महामाया अधीश्वरी नंद नंदन हमारे पति हूँ। इस प्रकार एवं मासम व्रतम चेरु कुमार्या कृष्ण चेतसा भद्रकाली समान अर्जु भूयात नंद सुतापति। इस प्रकार आराधना करते हुए एक महीना बीत गया। अगानी पूर्णिमा के दिन ब्रह्म वेला में लगभग 4 बजे गोपिकाएं स्नान कर रही थी और ये निर्वस्त्र ही नहाती थी। उस समय भगवान श्याम सुंदर गए, इनके वस्त्रों का हरण कर लिया और जो किनारे पर रखे थे और उनको टांग दिया उन्होंने कदम्ब में। स्नान करके जब बाहर निकलने को हुई तो वहां वस्त्र नहीं देखे तो फिर जलाशय में गई और कंठ से जलाशय में खड़ी एवं ब्रवत गोविंदे नर्मला चित्त क्षेत्र सा। अब ये कांप रही है, थर थर पछुआ हवा चल रही है, थर थर कांपे अंग सुकुमारी कांप रही है और उस समय पछुआ हवा चल रही है, अगहनी पूर्णिमा की सर्दी है और उस समय ये कहती क्या एवं ब्रुद गोविंदे, केवल गोविंद को बुला रही, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। भगवान बोले, गोपिकाओं अपने अपने वस्त्र मेरे पास आकर ले जाओ। गोपिकाएं बोली, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देही वाशांश धर्मज्ञ नोचेद्राज्ञे ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर, हम सब गोपिकाएं तुम्हारी दासी हैं, हमारे वस्त्र हमें दे दो और धमकी भी दे दी, यदि वस्त्र नहीं दोगे तो राज्ञे ब्रुवामहे, राजा कंस से हम तुम्हारी शिकायत कर दें। भगवान बोले, देखो हमें कंस की धमकी दे रही। भगवान बोले, गोपिकाओ भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ अत्रागत्य शोभाशांसि प्रतिच्छन्तु सुचस्मिताः। यदि हमारी तुम दासियां हो तो हमारे पास आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। अब ये गोपिकाएं इन प्रकार लज्जा करती हुई भगवान के निकट गई। भगवान बोले, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो। यूयम विवस्त्रा यदपो धृतव्रता विगाह तैर तद्दतु देव हेलनम बद्ध्वांजलिम मूर्धनुपेत्य हंसा कृत्वा नमोधौ वशनम प्रगृहताम। मस्तक के ऊपर हाथ जोड़ो, वस्त्र ले जाओ। जब सबने हाथ जोड़ दिए तो भगवान ने वस्त्र दे दिए, सब गोपिकाओं ने वस्त्र धारण कर लिए। भगवान बोले, हे गोपिकाओं संकल्पो विदिता साध्यो भवती नाम मदर्शनम मयानुमोदिता सोशौ सत्यम भवितुमर्हति। हे गोपिकाओं, हम तुम्हारा संकल्प जानते हैं, तुम सब हमें पाना चाहती हो ये हम जानते हैं और वो सत्य भी होगा, हम तुम्हें प्राप्त होंगे। लेकिन न मैया वेशित धिया कामा कामाय कल्पते भर्जिता कथिता धाना प्रायो भी जाए निश्चिते। देखिए, हम कामनाओं से प्राप्त नहीं होते। जब तक मनुष्य में काम में वासना का बीज है तब तक मैं उसे प्राप्त नहीं होता। धान को भूंज दिया जाए तो दूसरे धान नहीं होंगे, भूंजा नहीं गया तो धान होंगे। जब तक कामनाएं हैं मैं प्राप्त नहीं होता, इसलिए अपनी संपूर्ण कामनाएं मुझमें अर्पित करो। तुम अपने को नारी मान रही हो गोपिकाओ, ना कोई नारी है ना कोई पुरुष है, सब मेरी आत्मा है, तुम मेरी आत्मा हो। स्त्री पुरुष का भेद माया का है, पशु पक्षी का भेद माया का है, सबके भीतर मैं ही विराजमान हूँ, कड़कड़ में मैं व्याप्त हो रहा हूँ, तुम्हारी अंतरात्मा में मैं ही हूँ, इसलिए ये भेद छोड़ दो। ये यमुना का जल मोह जल है, मोह जल में कंठ से डूबा है गोपी जीव, गोपी है जीव और ये जीव इस मोह में यमुना जल में कंठ से डूबा है, एक कंठ से डूबा हुआ है। भगवान बुला रहे हैं लेकिन आ नहीं रहा। भगवान ने चीर का हरण किया है, चीर बने माया। भगवान ने गोपी रूपी जीव के चीर बने माया का हरण कर लिया। ये चीर हरण की कथा माया हरण की कथा है। गोपी जीव है और चीर माया है, भगवान ने चीर रूपी माया का हरण किया। फिर भी ये जीव भगवान में समर्पण नहीं कर रहा, अपने को अलग मान रहा, मैं अलग हूं। भगवान कहते, मेरी ही आत्मा हो, मेरा ही अंश हो, ममई वंश हो जीवलो के जीव भूता सनातना, मेरा ही अंश हो। तब भगवान कहते हैं, तुम हमें समर्पण करो। दोनों हाथ उठाकर के समर्पण होता है, दोनों हाथ उठाकर समर्पण मन राधे राधे मन, वहां भगवान ने कहा। तो ऐसे समय में जब भगवान ने इस प्रकार कहा, दोनों हाथों से समर्पण, ये हाथ उठवाने का मतलब क्या है, समर्पण जिसे कहते हो राधे राधे, तो उस समय ये भाव होता है, ये समर्पण है।
अपराधी को भी हाथ उठवा देते हैं, हाथ उठाइए, समर्पण का भाव है, इसलिए राधे में हाथ उठवाते हैं, हर हर महादेव में हाथ उठवाते हैं, समर्पण है जीव का। यहाँ हाथ उठाने से भगवान का यही आश्रय है, यही तात्पर्य है कि तुम समर्पित हो जाओ जीव। जब समर्पण तुम्हारा हो जाएगा तो उस समय पर हम तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे, तुम मेरी ही आत्मा हो। इतना सुंदर अध्यात्म दिया सुखदेव जी, कथा कह रहे हैं, और सुखदेव जी परमहंस हैं, वीतराग है, और राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, वो मुमुक्षु है, सातवें दिन सामने मृत्यु खड़ी है, इसलिए संसार की कथा नहीं हो रही है, ये कथा दिव्य अध्यात्ममयी आनंदमयी मोक्षदायिनी कथा। गोपी जीव कृष्ण ब्रह्म चीर माया भगवान ने हरण किया है, और गोपिकाओं को बताया है तुम मेरा ही विशुद्ध स्वरूप हो। आगामी शरदरात्रियों में हम तुम्हारे साथ महाराज लीला का आयोजन करेंगे, तब तुम्हें हमारी प्राप्ति होगी। और गोपिकाओं को विदा किया और भगवान ने ब्रज में प्रवेश किया, तो घर घर कड़ाहियां चढ़ रही चढ़ी हैं, पकवान मिष्ठान व्यंजन खटरस छप्पन भोग बन रहे हैं। भगवान ने आकर पूछा, बाबा आज बड़ी तैयारी हो रही है, आज ब्रज में कौन सा उत्सव हो रहा है? कथताम में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागतः किम फलम कस चोद्देश्यः केन वा साध्यते मखा। किस देवता का पूजन होगा, क्या फल है इसका? तो महाराज बाबा नंद बोले, कन्हैया परजन्यो भगवान इंद्र मेघा तस्यात्ममूर्तयः ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः। देवराज इंद्र परजन्य है, जब उनका पूजन होगा, कल यज्ञ होगी इंद्र की, इंद्र यज्ञ होगा, तो वो जल बरसाएंगे, सुकाल होगा, सृष्टि होगी। यज्ञात भवन्ति पर्जन्याः पर्जन्याद अन्न समुद्भवः अन्नाद भवन्ति भूतानि यज्ञः कर्म समुद्भवः। कल इंद्र का यज्ञ है, जब यज्ञ होगा तो काले वर्षत पर्जन्या पृथ्वी से शालिनी, इंद्र वर्षेंगे और धरती में अन्न उत्पन्न होगा। भगवान कृष्ण बोले, बाबा और गोपो, इंद्र स्वतंत्र नहीं है, वो भी ईश्वर के अधीन है और कर्म के बंधन में बंधा है। ये संसार कर्म बंधन में बंधा अपने कर्म का फल भोग रहा है। बड़ा सुंदर कर्मयोग की सुंदर बात भगवान कहते हैं, उपदेश देते हैं। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। मनुष्य का जन्म उसके कर्म से होता है, विनाश भी कर्म से हो जाता है, हानि लाभ सुख दुख सब कर्मों का फल है। काहुन को सुख दुख करदाता निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करे सो तस फल क्या खा। कर्म के अधीन है संसार, इंद्र भी कर्म के अधीन है, तो हमारा कर्म है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों वर्णों के अलग अलग कर्म हैं। भगवान कहते हैं हम इस समय गोपालक हैं, गौओं का पालन करते हैं और उनका पोषण गोवर्धन महाराज से होता है। देखिए यहां भगवान ने कर्मयोग की व्याख्या दी है, कर्म योग को महत्व दिया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतुरु माते संगोस्तु कर्मणि। कर्मयोग का बड़ा महत्व है, लेकिन वो कर्मयोग जो भगवान को अर्पित हो, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर वा बुद्ध्यात्मना वानुषत स्वभावात् करोति यतेत सकलं परस्मै नारायणे इति समर्पयेत् तत्। अपने कर्म भगवान को अर्पण करना है, वो कर्मयोग है। तीन धाराएं भगवान ने उपदेश किए हैं गीता में, कर्मयोग भक्तियोग ज्ञानयोग। कर्मयोग में कर्मण्येवाधिकारस्ते, भक्तियोग में अनन्यास चिंतयन्तो मामे जना पुरुपास्ते तेषां नित्याभुक्तानां योगक्षेमं वहम्यहम्। जहां पर समर्पण है, भगवान का भजन है, भगवान योगक्षेम की रक्षा करते हैं, वो भक्तियोग है। और जहां समर्पण विलय है, सर्वधर्मान प्रत्यजमामि कम शरणं ब्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सुचः, ये ज्ञान योग है। तीन धाराएं जीवन में चलती हैं, कर्मयोग भक्तियोग ज्ञान योग, प्रत्येक साधक के जीवन में तीनों धाराएं होनी चाहिए, कर्म भक्ति और ज्ञान। रामायण के प्रारंभ में ही कहा, भक्ति क्या है, राम भगति जहां सुरसरी धारा।
सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तो राम जी की भक्ति है गंगा और कर्म क्या है जमुना। विधि निषेध में कलिमर हरनी, कर्म कथा रविनंदन बरनी। कर्म योग है जमुना और ज्ञान है सरस्वती। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। तो जब कर्म योग, कर्म की जमुना, भक्ति की गंगा और ज्ञान की सरस्वती, तीनों जीवन में हो, तीनों की जरूरत है नारायण। एक नहीं, अकेला कर्म नहीं, कर्म के साथ भक्ति हो और भक्ति के साथ ज्ञान हो। अगर भक्ति के साथ ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति रोएगी, क्योंकि ज्ञान बूढ़े हो गए, बैराग्य बूढ़े हो गए, तो भक्ति क्या करती है, रो रही है। इसलिए भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य की भी आवश्यकता। भगवान ने यहाँ कर्मयोग को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने कहा कर्म करना हमारा अधिकार है और हमारी गौ में जो हैं वो गिरिराज महाराज में चढ़ती हैं और दुग्ध देती हैं। ऋषि लोग उनकी कंदराओं में रहते हैं, उन्हें कंदमूल फल प्राप्त होता है गिरिराज से, इसलिए गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया जाए। रामावतार में हनुमान जी वचनबद्ध हैं, ऋणी हैं गोवर्धन के। पद्म पुराण में बड़ी सुंदर कथा है जिसमें सेतु बांधा जा रहा था सागर पर, बानर भालू शिलाएं लेकर जा रहे थे। उस समय जब सेतु बन गया तो सुबेल शैल पर खड़े होकर जाम्बवंत ने कहा अब सेतु बन गया, यहां शिलाएं लाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जो व्यक्ति जहां शिलाएं ला रहा है वहीं रख दे। हनुमान जी हिमालय से उखाड़ कर गोवर्धन गिरी को ला रहे थे, वृंदावन आ गए। आवाज जाम्बवंत जी की सुनी तो वृंदावन में ही गिरिराज गोवर्धन को स्थापित कर दिया। गोवर्धन जी ने कहा हनुमान जी आप हिमालय से भी मैं उखाड़ लाए और भगवान के भी चरणों में नहीं पहुंचाया, ये तो अच्छी बात नहीं। बोले बात तो सही है, बात सही है गिरिराज जी, लेकिन जामवंत जी की आज्ञा हम टाल नहीं सकते, प्रतीक्षा करो। रामावतार में भगवान के चरण तक तुम नहीं पहुंच पाए, कृष्णावतार में भगवान के चरण स्वयं तुम्हारे पास आए। ये वचन हनुमान जी महाराज का है। आज वो भगवान पूर्ण करना चाहते हैं। रामावतार में भगवान ने चित्रकूट की परिक्रमा की थी तो चित्रकूट कामद हो गए, कामद गिरिभे राम प्रसादा। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने गोवर्धन जी की परिक्रमा की तो भी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो गए। प्रत्येक अमावस्या को चित्रकूट की परिक्रमा होती है। ये गुरु जी का बड़ा भक्त है इसलिए इसका ज्यादा पूजन होता है। चित्रकूट गुरु जी का भक्त, ये चित्रकूट जो है विंध्याचल की श्रेणी है और विंध्याचल इतना गुरु का भक्त। नारद जी गए सिखा दिया विंध्याचल को, बोले तुम एक काम करो, सूर्य उदय होते हैं उदयाचल में, अस्ताचल में अस्त हो जाते, तुम्हारा महत्व नहीं, तुम इतने विशाल हो। बिंद प्रदेश पहले था, राष्ट्रगान में भी बिंद हिमाचल यमुना गंगा, अब बिंद प्रदेश नहीं रहा, बिंद प्रदेश का विलय मध्य प्रदेश में हो गया। तो बिंद प्रदेश से लेकर के ये पूरे मध्य प्रदेश होता हुआ विशाल क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, बिंद प्रदेश से होता हुआ सोनभद्र अमरकंटक के आगे से होता हुआ ये विंध्याचल और मध्य प्रदेश की पूरी सीमा लांघता हुआ नर्मदा ओंकारेश्वर के आगे तक विंध्याचल है। इतना भारी विश्व में कोई पर्वत क्षेत्रफल वाला नहीं है जितना विंध्याचल का, फिर भी तुम्हारी कोई गणना नहीं है, तुम इतने ऊंचे उठो कि सूर्य का मार्ग रोक लो। अब विंध्याचल इतना उठा कि सूर्य का रास्ते बंद हो गए, उधर है सूर्य एक तरफ दिन एक तरफ रात, ये दृश्य महीनों हो गया, अब तो प्रलय का दृश्य हो गया। तब ये हुआ कि कैसे ये विंध्याचल मानेगा। नारद जी ने कहा ये गुरु जी का बड़ा भक्त, इसके गुरु अगस्त जी हैं, अगर गुरु जी कह दे तो ये फिर छोटा हो सकता है। गुरु जी से कहा गया, अगस्त जी बोले है तो हमारा चेला लेकिन हठी बहुत है, कहो हमारी बात न माने। बोले तो कुछ करो महाराज, करना पड़ेगा। अब गुरु जी चले अगस्त जी, इन्होंने युक्ति से काम लिया, बोले नहीं भाई युक्ति चलाएं। तो युक्ति से काम लिया, जब गुरु जी पहुंचे तो वो पर्वत चरणों में लौट गया विंध्याचल। गुरु जी बोले विंध्याचल तुम ऐसे ही लेटे रहो, हमारी आज्ञा है,
हम थोड़ा दक्षिण काम से जा रहे हैं, लौट के आवे तब फिर उठना। ये लेट गया वैसे ही, गुरु जी की आज्ञा है। और गुरु जी दक्षिण में गोदावरी के किनारे जाकर आश्रम बनाकर रहने लगे, लौटे ही नहीं, लौटे ही नहीं। तब से बेचारा लेटा ही हुआ है। भगवान ने कहा गुरु की आज्ञा से इतना व्रती कि लेटे हुआ है, इसकी परिक्रमा हम करेंगे। भगवान ने परिक्रमा की चित्रकूट। प्रत्येक अमावस्या को परिक्रमा होती है और पूर्णिमा को होती है गिरिराज की। तो उस समय गाड़ियों में, रथों में, रब्बों में, बहलियों में पूजा पकवान मिष्ठान छप्पन भोग सब रखे और यात्रा प्रारंभ हुई। यानी कानी पापानी जन्मांतरानी चे तानी तानी प्रदक्षिण प्रदक्षिण पदे पदे। परिक्रमा में बड़ा पुण्य है, पाप नष्ट होते हैं। आप लोग परिक्रमा में सम्मिलित हो, गाओ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। सब लोग आइए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। नहीं माने मेरो मनुआ, नहीं माने मेरो मनुआ, नहीं माने मेरो मनुआ, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानस गंग नाम मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया। मैं तो पेट पेट पे खाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। और ये यात्रा होते हुए यतिपुरा मुखारविंद पहुंची। और उस समय पर महाराज भगवान कृष्ण स्वयं गिरिराज के रूप में विशाल पर्वताकार चतुर्भुज स्वरूप लेकर बैठ गए। और बोले शैलोस्मीति ब्रुवन भूरि बलिमादत बृहद बपुः। हे गोपो, हे गोपिकाओ, मैं गिरिराज गोवर्धन प्रकट हो गया हूँ। मेरे विशाल शरीर के अनुसार हमें भोजन कराओ, भोग अर्पित करो। और छोटे रूप में कन्हैया कहते हैं, देखो इतने दिनों से आपने इंद्र की पूजा की, कभी इंद्र प्रकट होकर के अपना भोग ग्रहण करने नहीं आए। आज साक्षात गोवर्धन महाराज प्रकट हैं। स्वयं भगवान कृष्ण ही गिरिराज के रूप में पर्वतराज पर विराजमान हो गए हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। और आज विशेष पूजन के लिए छप्पन भोग द्वारा गिरिराज का पूजन करेंगे। श्री राम निष्ठान के हमारे गुप्ता जी जो यहाँ विराजमान है, परीक्षित जी पूजन करेंगे, श्याम किशोर जी और गिरिराज गोवर्धन का स्वरूप। हाँ मंगाओ विराजमान, नहीं वो स्वरूप नहीं, अच्छा वो भी मंगा लो, वो भी मंगा लो, वो भी स्वरूप मंगाओ। और ये गिरिराज का पूजन श्याम किशोर जी से पत्नी नीचे से जाओ और वहाँ पूजन करें। फिर छप्पन भोग द्वारा हमारे गुप्ता जी, क्या नाम है गुप्ता जी का, श्री राम किशोर जी गुप्ता और अपनी धर्म पत्नी के समेत वहां का मिष्ठान तो प्रसिद्ध है ही, बढ़िया दिव्य है। गिरिराज महाराज का पूजन, स्नान कराओ। हरि ओम नमो स्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिरुरुभावे सहस्रनाम्ने सहस्रशतये सहस्रकोटिधारिणे नमः। ओम शास्त्री का बोलो। ओम शास्त्री का बुर्गा सहस्रा सहस्रपाद सभों मुखम सर्वते त्रित्वातिष्ठ सांगुलम्बो। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद
सभूमिग्वं सर्वतस्पर्त्वात् तत्तिष्ठदशांगुलम्बा ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेनाकं महिमाना सचंद्र पूर्वे शाद्यः शन्ति देवाः फिर पकवान मिष्ठान अर्पण करो पुष्पादि ओम माल्या दिन सुगंधे दिन माल्या दिन वही प्रभु समझूंगा प्रसिद्ध परमेश्वर आचमन करा दो जल से ओम नाभ्यास अंतरिक्ष गुम शिष्णु देव समर्थ पद्भ्याम भूमि दिशा स्रोतान तथा अलोकान नकल्पन आए पधारिए बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो महाराज ऊपर से आ जाइए जय हो जय धन्य गोवर रंग महाराज तेरे सिर पर मुकुट विराजे सिर पर मुकुट विराजे तेरे हीरा लाल विराजे तेरे सिर पर मुकुट विराजे तेरे हीरा लाल विराजे विराज का पूजन किया है तो इंद्र ने प्रलय काल के मेघों को बुलाया गणम शाम वर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणम इंद्र प्राचोदित क्रुद्धो वाक्यम चाहे समन्वयता प्रलय काल के मेघों को बुलाकर इंद्र ने कहा जाओ ब्रज में इतना बरसो कि ब्रज बह जाए प्रलय हो जाए अब तो घूम घरारे काजर कारे घने घन चल पड़े सांबर तक घन भेज कर यूं गर्जा सुरराज सातो सिंधु उड़ेल दो ब्रज मंडल पर आज आज रात हो आज हो महाप्रलय की रात आज रात के बाद ब्रज देखे नहीं प्रभात घूम घरारे काजर कारे घने घेराते घन ब्रज पर मूसलाधार वर्षा करने लगे घर ढहने लगे पशु बहने लगे और उस समय आज सबने कन्हैया को पुकारा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव भगवान ने कहा जिन गिरिराज के कारण संकट आया वही संकट हरेंगे सबको लेकर सदल बल ग्वाल बालों गमों के समेत भगवान गिरिराज के निकट गए इत्युक्त्वा एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः जिस कोई बालक प्रसादी छाते के पौधे को उखाड़ ले ऐसे भगवान ने बाएं हाथ से उखाड़ लिया गिरिराज को और बाम पाण की कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया बोलिए गिरिधर गोपाल की जय बोलिए गिरिधर गोपाल की जय पर्वत के नीचे ग्वाल बाल गुमे सब आ गए और इंद्र घनघोर वर्षा कर रहे हैं देखा इंद्र ने कन्हैया ने पर्वत उठा लिया है तो वज्र का प्रहार किया तो चक्र सुदर्शन ने किया इंद्र वज्र बेकार शोक रहे थे ऊपर वह जल की भीषण धार बलदाऊ भैया शेषनांग के रूप में सात कोस के व्रत में मोटे सांप बन करके लेट गए बार का भी जल नहीं आ रहा ऊपर से भी नहीं आ रहा पर्वत के नीचे बड़ा आनंद है लेकिन मैया यशोदा कह रही है सात दिन हो गए सात दिन रात जल बरसा है मेरे लाला ने माखन नहीं खाया जल नहीं पिया यशोदा कहती थी
ग्वालों से यशोदा यशोदा कहती थी ग्वालों से तक तक ब्रजनंदन की उंगली यशोदा कहती ग्वालों से तक तक ब्रजनंदन की लाठियां तुम्हारी लगी रहे दुख जाए ना मोहन की आके बिहारी तेरी यार गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी यार गाऊं हे गिरिधर तेरी आरती 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 गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी इन चरणन पे बलि बन जाऊं इन चरणन पे बलि बन जाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं।